रोमियो जल्दी चलो, सब हॉल में हमारा वेट कर रहे। चलो दरअसल मुझे, अरे भाई अभी इन बातों का टाइम नहीं, चलो अभी। हम बाइक पे जाएंगे? नहीं तो तुम्हारे लिए जहाज का बंदोबस्त करूं। तो मिल गया ना, उसमें शुक्र करो। वैसे मुझे जहाज उड़ाना नहीं आता। नहीं नहीं आई एम श्योर वो भी उड़ा लोगी। मैं चलाऊं? बैठो पीछे, मैं चलाऊं। या अम्मी, मुझे तो लग रहा है हीर को पता ही नहीं चला कि मैंने आना है, वरना उसे वापस थोड़ी जाना। मुझे लगता है उसे पता चल गया था। या अम्मी तुम अंदर जाके बात करो कि लड़के का निकाह पढ़वाए, जब लड़की आएगी तो उसका निकाह पढ़ा दिया जाएगा। बल्कि मैं जाके बात कर। पढ़ जा आराम से, वो लोग परेशान है, उनकी लड़की भी भाग गई है, सुना है बाइक पर भागी है। अच्छा तो इसका मतलब है वो तो जल्दी वापस आ जाएगी, है ना? आ भी जाए तो अच्छा है, अब दुल्हन के बगैर हम घर जाते हुए अच्छे तो नहीं लगेंगे ना। पूरे मोहल्ले को बता के आए थे कि हम दुल्हन लेने जा रहे हैं। वैसे या उम्मी अगर ना भी आए तो कोई बात नहीं, एक बार अगर मौलवी साहब ने मेरा निकाह पढ़वा दिया ना तो उसके बाद मैं हीर को तसल्ली से ढूंढता रहूंगा। आखिरकार मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना, घर का दामाद। जो चुप कर जाइए, बड़ा आया दामाद वाला। अच्छा या उम्मी तू अंदर जाके निकाह की बात तो कर ना, लड़की भी आ जाएगी। वैसे मुझे तो फिक्र हो रही है, हीर के पास लाइसेंस तो है ना, कहीं उसका चलान ना हो जाए। या उम्मी जाके बात तो कर, शुरू तो करवा। इल्ला नहीं, चल घर से ले, तेरी शादी नहीं होनी। या उम्मी अभी तो हम हॉल के अहाते में ही है, तू उम्मीद क्यों छोड़ रही है? मुझे उम्मीद नजर आ रही है, देख पूरा हाल खाली पड़ा है। क्या उम्मीद? उम्मीद हॉल में थोड़ी, दिल में होती है। हो सकता है हीर के मोटरसाइकिल का टायर पंक्चर हो गया हो, अब पंक्चर लगवाने में भी तो टाइम लग जाता है ना। नहीं जेदी नहीं, यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं, चलो उठ। या उम्मीद अगर हीर आ गई तो इधर किसी को तो होना पड़ेगा ना। जेदी वो यहाँ क्यों आएगी, उसके घर वाले यहाँ नहीं है। अरे उसके घर वाले नहीं है तो उसका घर वाला तो है ना। अरे ये क्या कर रहा है? या उम्मी मैं लेटने लगा, मैं यहीं इंतजार करूंगा हीर का। जेदी उठ जा, नहीं तो मैंने जूती उतार लेनी है। ओहो या उम्मी, दूसरी चल अब आराम से बैठ जा। उठ जा जेदी, उठ जा। या उम्मी पकड़। अच्छा ठीक है, उठ। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा मारना नहीं। फोन फोन किसका है? फोन किसका? हेलो हेलो हेलो, तू कहाँ है? मैं तो यहाँ शादी हॉल में हूँ, तुम लोग कहाँ हो? हॉल में? हॉल में तू वहाँ क्या कर रही है? क्या कर रही है? हम सब तो घर आ गए, खाली हो गया था हॉल। अरे मैं और रोमियो शादी हॉल में, उसके पेरेंट्स भी आने वाले, जल्दी से आ जाओ। अच्छा ठीक है ठीक है, हमारे हमारे ओके ओके बाय। चले चले बारात वापस आ गई है। बारात आ गई, बारात आ गई, चलो 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 चलो। लाइट्स खोलो, बारात आ गई है। We'll be right back.
वैसे यही तुमने मुझे यहाँ छत पे क्यों बुलाया है? वो देखिए ना, सड़क पे गाड़ियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं। अच्छा, लेकिन मैं नीचे नहीं देख सकता, डर लग रहा है। अच्छा, डर लग रहा है तो मेरी तरफ देखते रहो। तुम्हें देखते हुए तो और भी ज्यादा डर लग रहा है। अरे अच्छा, डर लग रहा है तो आंखें बंद कर ले, जल्दी आंखें बंद करो। अगर आप एक जरूरी रान सुने, हकीम लुकमान अस मशहूर दवाखाने वाले की साहबजादी की शादी पर जितने भी लोग खाना खा के अपने घर जा चुके हैं, उनसे गुजारिश है कि निकाह के लिए हॉल में तशरीफ ले आए और सलामिया भी साथ ले आए। निकाह और किसका? मस्जिद में ऐलान हुआ है, निकाह है, जल्दी शादी हॉल पहुंचो, उठो उठो याउमी, चलते हैं। दीदी ये कोई टाइम है निकाह का? याउमी निकाह तो कभी भी हो सकता है ना, बेशक कहीं भी हो जाए। चलो उठो, मैं तुम्हें मोटरसाइकिल पे लेके चलता हूँ। यल्ला यल्ला याउमी, आजो आजो, ये लो जूतियां पहनो अपनी याउमी, छेती छेती गल्दी गल्दी, यल्ला 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 याउमी। मौली साहब मौली साहब उन्हें निकाह पढ़वाना है। मौली साहब उठे। नजर भाई यार, बाहर आ जाओ, निकाह खान को खोलना, मैं ले आया हूँ। हाँ, अफलातून में आ रहा हूँ बाहर। ये क्या, इसका बांधा हुआ क्यों है? कहाँ से खोलू? ढूंढो ये देखो। पहुंच गए। यल्ला। और पेट्रोल भी आज ही खत्म होना था। यल्ला ये होमी। मुबारक हो, या होमी। कैसा लग रहा है? आजा मौली साहब, आजा। लाए जदी भाई, एक मिनट मेरा, आप वहां पहुंचे भाई की तरफ। हाँ लाए जदी भाई, मुंह मीठा करें, मुबारक हो निकाह की। निकाह की मुबारकबाद तो तुम्हें मुझे देनी चाहिए, लेकिन मुबारक हो भाई। मैं लेट तो नहीं हुआ? अरे नहीं, बिल्कुल टाइम पे आए, अभी निकाह हुआ है। निकाह हुआ है? मेरे पहुंचने से पहले कैसे निकाह हो सकता है? क्यों निकाह, क्या आपने पढ़ाना था क्या? देखिए ना, हीर बाजी और रोमियो भाई की जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है। क्या ये निकाह कब हुआ, कैसे? अभी भी हुआ है। हैं? क्या? या अम्मी, मैंने तुझे कहा था ना कि हम यहीं बैठे रहते, देख तेरी देरी की वजह से आज मेरा निकाह होने से रह गया। मैं तुम्हें हेल्प करूं?
नहीं. Are you sure? Yeah. Okay. आशा आशा आशा. वैसे ये बाहर का दरवाजा पहले से क्यों खुला हुआ था? अरे हाँ. I think मामा हमें सरप्राइज करना चाहती हैं. हाँ, मैं भी तो देखूँ उन्होंने मेरे लिए कमरा कैसे डेकोरेट. नहीं, वो मेरा सरप्राइज है. वो पहले मैं देखूँ. I'll just be back in 2 minutes. बेडरूम कैसा सजा है? वो तुम अभी नहीं देख सकती. क्यों नहीं देख सकती? मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करना. नहीं नहीं नहीं, वो ये कैसे मुमकिन है? आज हमारी शादी की पहली रात है और तुम सोने जा रही हो. बैठो ना. अरे बाद में बैठेंगे, पहले रूम तो देख लूँ. तुम नहीं देख सकती. क्यों क्यों नहीं देख सकती? कोई माकूल वजह बताओ. हाँ है ना माकूल वजह. वो माकूल वजह ये है कि हमारे खानदान की ना एक रस्म है कि शादी की पहली रात को दूल्हा दुल्हन को गोद में उठा के कमरे तक लेके जाते हैं. हाय अल्लाह, तुम मुझे गोद में उठाओगे? अच्छा तो उठाओ मुझे. अभी इतनी जल्दी क्या है? अभी बैठते हैं ना. भाई रिमोट से ही तो पता चलता है कि घर में किसका कंट्रोल है. जिसके पास रिमोट उसके पास कंट्रोल. की आवाज आ रही है? पड़ोसी होंगे, शोर की वजह से डिस्टर्ब हो रहे होंगे. अरे तो ऐसा करो ना आवाज. अरे आज हमारी शादी है, आज हम सायों को तंग करने की इजाजत है. अच्छा बस अब मुझसे डांस नहीं हो रहा, मैं जा रही हूँ. हाँ कर लो. किधर जा रही हो? वो बेडरूम में नहीं, वो तुम्हारे घर वालों ने जो एक्चुअली सामान भेजा था ना वो इधर लाउंज में पड़ा हुआ है. तुम इधर देख लो, शायद इसमें तुम्हारा सामान हो. सोने दे मुझे. ये थैंक यू सुबह कर लेना. यार एलिफेंट, एक मसला हो गया यार. सिर्फ एक मसला हो गया? अब आदि हो जा मसलों का. क्या क्या हीरना है? अरे हीरे नहीं, वो फरियाल मेरे बेडरूम में. अरे तू पागल तो नहीं हो गया? आज तेरी शादी हुई और तूने फरियाल को बेडरूम में बुला लिया? अरे वो मेरी चाबी चुरा के आ गई है. हीर देखेगी तो क्या सोचेगी? एलिफेंट उसके बाप को लेके जल्दी पहुंच, वरना पहली रात हीर मुझे तलाक दे देगी. ये आज मुझे मरवाई की. रोमियो तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम चाहती क्या हो? मैं तुम्हें सरप्राइज देने आई हूँ. रोमियो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती. और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम समझती क्यों नहीं हो? अच्छा चलो छोड़ो, मुझे बताओ मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है इस ड्रेस के साथ? तुम मेरी बात सुनो, तुम फौरन यहाँ से चली जाओ वरना मैं बता रहा हूँ अच्छा नहीं होगा. अच्छा तो अभी भी नहीं हो रहा रोमियो. देखो ना मेरी सारी स्किन खराब हो गई है इस ड्रेस से.
मैं सोच रही हूँ तुम्हारे लिए न्यू कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने का। तुम एक काम करो, तुम चलो यहाँ से निकलो। मैं नहीं जाऊंगी। तुम चलो मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगी, 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 नहीं नहीं जिंदा भैया। हेलो, हाँ एलिफेंट, मेरी बात सुन, फरियाल के बाप को लेके चल दिए किधर? अगे अरे यार, अगर वो उड़ गई ना तो हील को पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे होश पड़ी है। कौन बेहोश पड़ी है? मजाक कर रहा था एलिफेंट के साथ, मजाक कर रहा था। अच्छा खैर, मुझे तो चाय का सामान नहीं मिला। मुझे भी नहीं मिला। हील, तुम दोनों कितने एक जैसे है ना। मुझे तो भूख भी लग रही है। अच्छा सोचने दो, सोचने दो, सोचने दो। आइडिया आइडिया आया। मैं ना हम दोनों के लिए पिज्जा ऑर्डर करता हूँ। हाँ स्पाइसी। मैं स्पाइसी नहीं खाता। मैं स्पाइसी खाने को नहीं कह रही, फ्लेवर रखवाने को कह रही हूँ। हाय जी, एक चिकन फहीता कर दें प्लीज, और रेगुलर। चिकन टिक्का और स्पाइसी। नहीं नहीं स्पाइसी नहीं, स्पाइसी स्पाइसी स्पाइसी, और साथ में अचार भी। बात सुने, अचार भी डाल दीजिएगा और स्पाइसी भी हो। तुम तो चुप करो। रोमियो, 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 सुनो ये तो पड़ोसी आ गए, दरवाजा खटखटा रहे, बेल भी बजा रहे, शिकायत तो नहीं करने आ गए? हाँ तुम देखो, मैं बैठता हूँ, मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम बैठो। अंकल वो दरवाजा पीट पीट के मेरा दरवाजा तोड़ देगी। एलिफेंट मैं काम करता हूँ, मैं ना हीर का ध्यान लगाता हूँ। किसका ध्यान लगाना है? किसी का नहीं, भला मैं। एलिफेंट ये तुम्हारे पापा हैं? एलिफेंट का पापा तो एलिफेंट ही होता है ना। ये तो इंटीरियर डिजाइनर है। वो क्या है ना, अभी हमारी ताजी ताजी शादी हुई है तो ये हमारा कमरा देखने के लिए आए हैं, जस्ट फॉर दोस फाइनल टचेस। आप आए, आप अंदर आए। जॉन, व्हाई डोंट यू गेट इंटीरियर डिजाइनर एंड एलिफेंट सम ड्रिंक्स इन द लिविंग रूम। मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बीवी को नहीं पता चलना चाहिए। एलिफेंट जैसे तुम्हें जानने को भी ना, लाइट बंद कर देना। चलो चलो तुम चलो चलो, पर खबरदार जो तुमने कुछ कहा, चुप। यार ये क्या बदतमीजी है? जान बदतमीजी नहीं, लोड शेडिंग है। परेशानी की बात नहीं, अभी लाइट आने लगी है। अरे सॉरी एलिफेंट, तब्दील कर जल्दी से। क्या चेंज कर ले? हो गया हो गया, तब्दील हो गया, तब्दील हो गया एलिफेंट। जान वो मेन स्विच तब्दील होने वाला था, हो गया। सुनो वो जो इंटीरियर डिजाइनर है ना, वो मुझे बड़े मशकूक किस्म के आदमी लग रहे थे। मुझे बेटी बेटी कहकर पता नहीं मेरा हाथ घसीट कर कहाँ लेके जा रहे थे मुझे। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बोला? मैं इस इंटीरियर डिजाइनर को एक पाई नहीं दूंगा एलिफेंट। ये कोई टाइम था इंटीरियर डिजाइनर के आने का? हाँ ये कोई टाइम था इंटीरियर डिजाइनर के आने का। हाँ तुम तो समझदार आदमी हो। तुमने ही तो कहा था
मैंने कहा था ना कि नहीं लेकर आना, मैंने कहा था ना कि नहीं लेकर आना। हाँ, ये समझ नहीं आती मुझे, दोस्तों ने समझ लिया जैसे सुहागरात वाले दिन लोगों को डिस्टर्ब करना कोई फर्ज है। चलो निकलो यहाँ से, बहुत वक्त जाया कर दिया तुमने हमारा। पानी मिलेगा? नहीं, कोई पानी वानी नहीं मिलेगा, बल्कि वहीं से बोतल देता हूँ, पीते हुए जाना। मुसीबत टली, अपने दोस्तों को मुसीबत नहीं कहते, कितनी बुरी बात है। चलो अब रूम में चलो। तुम जब भी इजी हो तुम आ जाना। अरे हा? मुझे गोद में उठा के लेके चलो। गोद में? ये कौन सी रसम है हमारी? ये तुम्हारे यहाँ रसम है ना? एक मिनट मुझे देखने दो जरा। हाँ देखो, बताओ भला कहाँ है ये रसम? तुम बहुत वो। वो क्या? वो जो मैन के साथ जब वो लगता है तो वो मन हो जाता है। अच्छा ये बात है? हाँ हाँ ये बात है ही। हाँ